Let's start a sixth class topic. Exercise 3.3 exercise. Question number 5. Write the smallest digit and the greatest digit in the blank space of each of the following number so that the number form is divisible by 3. यानी कि यहाँ पे this number is given और in this number this is the blank, right? तो what come at the place of this number, at the place of this digit, okay? So यहाँ पे according to divisibility test by 3 we have to check then what is the minimum value यहाँ पे क्या write कर सकते हैं और maximum value यहाँ पे क्या write कर सकते हैं, वो हमें क्या करना है, identify करना है. So how to identify? तो I have taken the first part of this question number 5. तो according to question कि sum of the given digits, इन digits का हमें sum करना है. तो 6 plus 7 plus 2 plus 4 after adding sum is 19, right? The sum of its digits should be divisible by 3 to make the number divisible by 3. अब 19 is not exactly divisible by 3. तो इसको divisible by 3 बनाने के लिए हम इसमें कितना add करें कि divisibility by 3 complete हो सके. यानी 19 में अगर हम कितना add करें तो 19 6 18 and 19 7 21. तो 21 लाने के लिए यहाँ पे कितना add करेंगे, 2 add करेंगे. तो सिंस 21 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि जो 21 है वो स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 3 होगा जो कि कम्स आफ्टर 19, जो 19 के बाद में आता है, राइट? तो सो स्मॉलेस्ट नंबर 21 माइनस 19 इज इक्वल टू 2, यानी कि हमें 2 नंबर इसमें क्या करना है, एड करना है 21 बनाने के लिए, जो कि 3 का मल्टीपल्स होगा या फिर 3 से एग्जैक्ट टाइम्स डिवाइड भी होगा. तो सो स्मॉलेस्ट नंबर इज 2. अब हम इसको ऐड करते हैं तो 2 प्लस 3 प्लस 3, अगर हम 3 प्लस 3 अगर हम इसके मल्टीपल्स और ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 8, राइट? 8 इज द ग्रेटेस्ट नंबर. अभी देखते हैं इससे भी बड़ा हो सकता है क्या, बट 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, वन मोर टाइम वी हैव एडेड 3, ओके? एंड द सम इज 11, राइट? तो 11 इज द टू डिजिट नंबर बट 8 इज अ सिंगल डिजिट नंबर, राइट? तो मिनिमम वैल्यू इज 2, यानी कि एट द प्लेस ऑफ दिस व्हाट कम, 2. अदरवाइज मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, यहाँ पे 8 आ सकती है, राइट? तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि नाउ इफ यू पुट 8 द सम ऑफ डिजिट्स विल बी 27. तो यहाँ पे सम कितना हो जाएगा इसका, 27 हो जाएगा, राइट? विच इज डिविजिबल बाय 3, जो कि 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल भी है. देयरफॉर द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3, हैंस द लार्जेस्ट नंबर इज 8. तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा यहाँ पे, 8 होगा, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा यहाँ पे, 2 होगा, राइट? आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंड द सॉल्यूशन ऑल्सो. द सेकेंड पार्ट इज दिस, हाउ टू सॉल्व द सेम काइंड ऑफ. अब नाउ इन दिस क्वेश्चन 4, 7, 6, 5 एट द प्लेस ऑफ वाट कम एंड टू हेयर. तो हेयर फाइंड द मिनिमम वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू, राइट? तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या आ सकती है, सबसे पहले हम इनका क्या कर देते हैं, एड कर देते हैं. तो यहाँ से आ जाएगा सम ऑफ द गिवन डिजिट्स, जो डिजिट्स दी हुई है, लिखी हुई है, उनका हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. तो 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2, हमने इनको ऐड कर दिया, इसको हमने खाली छोड़ दिया. तो 6 4 10 10 प्लस 16 16 प्लस 5 21 21 प्लस 2 23, राइट? 23 इज नॉट ए मल्टीपल और इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 और डिविजिबल बाय 3, राइट? तो 23 में हम कितना ऐड करें, राइट? तो 23 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, तो इसमें कितना ऐड कर, 1 ऐड करते हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर बनता है, राइट? तो 24 हो जाएगा, 24 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, राइट? तो यहां से क्या करें हम कि सम ऑफ इट्स डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3 टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 3, राइट? नेक्स्ट लाइन, सिंस 24 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 3, यानी जो 24 है वो स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 3 होगा, विच कम्स आफ्टर 23, जो 23 के बाद आता है, राइट? सो स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा, आंसर 24 माइनस 23 इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, राइट?
अब हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट हमने बना लिया, अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर कितना होगा, तो ग्रेटेस्ट नंबर यानी ग्रेटेस्ट नंबर भी सिंगल डिजिट में ही हमें फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करें इसमें, नाउ तो यहाँ से वन आ गया ये, ओके। अब इसके मल्टीपल्स राइट करने हैं, तो थ्री प्लस थ्री यानी थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन, सेवन में अगर हम यहाँ पे कर देते तो कितना आता है, यहाँ से सेवन आता है, राइट। अगर मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूँ थ्री, तो ये हो जाता है सेवन प्लस थ्री इज टेन, टेन इज द टू डिजिट नंबर बट सेवन इज द सिंगल डिजिट नंबर, तो विच वन इज एग्जिस्ट, विच वन इज लाई हेयर, सिंगल डिजिट नंबर, तो सिंगल डिजिट में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, सेवन हो सकती है, टेन तो हो नहीं सकती, वाई बिकॉज टेन इज ए टू डिजिट नंबर, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, क्या लिखते हैं कि नाउ इफ वी पुट सेवन सम ऑफ डिजिट्स विल बी, अगर हम सेवन ऐड कर देते हैं किसमें, ट्वेंटी थ्री में, राइट। तो ट्वेंटी थ्री में अगर हम, ट्वेंटी थ्री में अगर हम सेवन ऐड करते हैं, तो ट्वेंटी थ्री प्लस सेवन कितना होता इज थर्टी, राइट, थर्टी विच इज डिविजिबल बाय थ्री, राइट। हैंस द लार्जेस्ट नंबर इज कितना है, सेवन, तो लार्जेस्ट नंबर कितना हुआ यहाँ पे, सेवन, एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज वन। अगर यहाँ पे हम वन पुट करते हैं, तो यू कैन चेक फोर प्लस सेवन, फोर प्लस सेवन, यस सेवन, यहाँ पे हम सिक्स कर देते हैं, यहाँ पे सिक्स, ओके सिक्स बना देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सिक्स लिख लिया, आप सेवन के लिए चेक कर सकते हैं, राइट। तो फोर प्लस सिक्स प्लस सिक्स यानी फोर प्लस सिक्स इज टेन, टेन प्लस सिक्स इज सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस फाइव ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन प्लस टू इज ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री प्लस वन इज ट्वेंटी फोर। अगर यहाँ पे वन राइट करते हैं, तो ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय थ्री, अकॉर्डिंग टू डिविजिबल बाय डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय थ्री, राइट। अगर हम यहाँ पे कितना सेवन राइट करते, तो सेवन प्लस सिक्स टेन प्लस सिक्सटीन प्लस फाइव ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन प्लस टू इज ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री प्लस सेवन, सेवन ट्वेंटी थ्री प्लस सेवन इज थर्टी, तो थर्टी ऑल्सो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय थ्री अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय थ्री, राइट। तो यानी कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू स्मॉलेस्ट नंबर वन आ सकता है, अदरवाइज ग्रेटेस्ट नंबर में क्या आ सकता है, यहाँ पे सेवन आ सकता है, राइट। अब यहाँ पे मैंने इसमें करेक्शन किया है, अगर यहाँ पे एट द प्लेस ऑफ सिक्स इफ यू राइट हियर सेवन, देन यू विल ट्राई टू सॉल्व बाय योर सेल्फ, ओके। सो वी हैव डन दिस सॉल्यूशन एंड यू विल ट्राई टू सॉल्व वन मोर पार्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट से राइट एट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस, राइट एट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 11। तो इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। सो डिविजिबिलिटी बाय 11 के केस में हमें क्या करना है कि 9, 2, व्हाट कम एट द प्लेस ऑफ दिस, तो 3, 8, 9, तो हेयर वी आर रिटन अकॉर्डिंग टू ओड इवन, राइट, दिस काइंड ऑफ इन सिक्वेंस ऑर्डर, राइट, ओड इवन, ओड इवन, ओड इवन, राइट। तो लेट यहाँ पे क्या हो सकता है, हम उसको लेट कर लेते हैं, लेट ए बी प्लेस हेयर, यहाँ पे ए क्या है, प्लेसड है, ओके। सम ऑफ इट्स डिजिट एट ओड प्लेस, ओड प्लेस पे जो भी वैल्यूज हैं उसको हम ऐड कर देते हैं, तो ओड प्लेस पे 9 प्लस ए, हमने इसको ए लेट कर लिया, और 8, तो 9 प्लस ए प्लस 8 इज इक्वल टू 17 प्लस ए, 9 प्लस 8 इज 17 प्लस ए, राइट। सम ऑफ इट्स डिजिट एट इवन प्लेस, इवन प्लेस पे कौन कौन सी वैल्यू, 2 प्लस 8 इज 10, 2 प्लस 3 प्लस 9, तो 2 प्लस 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 14, राइट। तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 17 प्लस ए माइनस 14, तो 17 माइनस 14 इज 3 प्लस ए एज इट इज कम, द डिफरेंस शुड बी 0, यहाँ पे डिफरेंस कितना आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, फिर मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए, तो 3 प्लस ए इज इक्वल टू 11, तो 3 प्लस ए अगर यहाँ पे हम 0 पुट करते हैं, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा, ए प्लस 3 आफ्टर ट्रांसपोज बिकम नेगेटिव माइनस 3, राइट। तो बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 राइट करना पड़ेगा, क्योंकि 11 या तो 0 हो या फिर मल्टीपल्स हो, फिर 11 अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11, राइट। तो 3 ट्रांसपोज फ्रॉम LHS टू RHS, देन साइन विल बी चेंज, तो 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड डिजिट इज 8। तो यहाँ पर कौन सी डिजिट आ सकती है, एट द प्लेस ऑफ दिस 8, राइट। नेक्स्ट
अगर मैं इस यहाँ पर 8 राइट करते हैं तो अकॉर्डिंग, अब यहाँ पर अगर 8 राइट करते हैं तो इसके लिए चेक करते हैं कि 9 प्लस 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 9 इज 20, 16 प्लस 9 इज 25, 25 में से 14 गया तो 25 माइनस 14 इज 11, तो 11 इज अ मल्टीपल ऑफ, डिफरेंस इज 11, 11 इज अ मल्टीपल ऑफ 11, राइट। तो अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी टेस्ट वाई 11 इज सेटिस्फाई। नेक्स्ट इज दिस, हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे ए है, इसको हम लेट कर लेते हैं ए, राइट। तो सम ऑफ यहाँ पे हम इस तरीके से 8-9-4-8-4 इसको हम ओड इवन ओड इवन ओड इवन, राइट। अब हमें यहाँ पे का क्या करना है, सम करना है, सम ऑफ एट्स डिजिट एट ओड प्लेस। तो ओड प्लेस पे हम इसको क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं। तो ओड प्लेस वाली कौन कौन सी, 8, दिस 8 प्लस 9 प्लस 8, राइट। 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 9 इज 25, राइट, 25। अब एड सम ऑफ इट्स डिजिट एट इवन प्लेस, इवन प्लेस वाली डिजिट्स को हमें क्या करना है, एड करना है। तो व्हेन इवन प्लेस पे हम यहाँ पे ए है, ए प्लस 4 प्लस 4, तो 4 प्लस 4 इज 8 प्लस ए, राइट। अब इन डिफरेंस फाइंड आउट करना, तो डिफरेंस कितना आएगा, ऐसे डिफरेंस इज इक्वल टू 25 माइनस 8 माइनस ए, या फिर हम इसको ब्रैकेट में पुट कर सकते हैं। इफ यू ओपन दिस ब्रैकेट, तो 25 माइनस 8 माइनस ए, तो 25 में से 8 गया तो कितना बचेगा, इज 17, 17 माइनस ए, राइट। अब यहाँ पे 17 वैल्यू है जो कि 11 से बड़ी है, तो हम यहाँ पे क्या करें कि 17 माइनस ए, अगर हम यहाँ पे लेते हैं 17 माइनस ए, अगर यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 17 एज इट इज माइनस 8 ट्रांसपोज देयर, तो ए ए इज इक्वल टू 17 आ जाएगा, राइट। अदरवाइज हम इसको, अब 17 इज टू डिजिट नंबर, राइट, टू डिजिट नंबर विच इज नॉट सेटिस्फाई, कि ए यहाँ पे 17 नहीं आ सकता, दिस इज अ टू डिजिट नंबर, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो सकता है, हम यहां से क्या लेके चलते हैं, इससे 17 से कोई बड़ा नंबर, तो 17 माइनस ए, तो 11 मल्टीपल्स ऑफ 11 कितना होता है यहाँ पे, 22, 22 इज द 11 ऑफ मल्टीपल ऑफ 11, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, या फिर दिस इज माइनस ए, अगर यहाँ पे हम 11 ही लेते हैं तो 11 ट्रांसपोज देयर एंड माइनस ए ट्रांसपोज देयर, राइट। तो 17 दिस इज प्लस 11, दिस प्लस 11 ट्रांसपोज फ्रॉम RHS टू LHS, देन साइन विल बी चेंज, तो माइनस 11 कम, और माइनस ए ट्रांसपोज फ्रॉम LHS टू RHS, देन साइन विल बी चेंज ऑलवेज, राइट। तो माइनस ए बिकम प्लस ए, तो 17 माइनस 11 इज 6, 17 में 11 गया तो 6, तो वैल्यू ऑफ ए व्हाट कम, 6, इट मींस ए इज अ सिंगल डिजिट नंबर, तो एट द प्लेस ऑफ ए व्हाट कम, 6, अगर हम यहाँ पे 6 राइट करते हैं तो दिस इज सेटिस्फाई फॉर गिवन दिस नंबर अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11, ओके। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, बट वन टाइम टू टाइम और थ्री टाइम यू विल ट्राई टू सॉल्व बाय योर सेल्फ एंड डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ओके ओके, थैंक यू।